हाय गाइस, मैं आपके लिए आज एक नई स्कैंस वर्कआउट लेके आया हूँ जिसको हम हिट कहते हैं, हिट HIIT हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग जो है हम लोग कंटिन्यू करते हैं विदाउट ब्रेक, इसमें हम ब्रेक नहीं लेंगे। और ये वर्कआउट ज़्यादातर प्रोफेशनल प्लेयर्स, ये आज की फिटनेस इंडस्ट्रीज में सबसे फेमस वर्कआउट है आज की डेट में। तो मैं आपके साथ ये वर्कआउट करूँगा, आप भी मेरे साथ ये वर्कआउट करिए। ये बड़ा छोटा वर्कआउट होगा, 6 to 8 मिनट्स का, आप ज़रूर मेरे साथ ये वर्कआउट करें। स्टार्ट। जंपिंग जैक ये एक्सरसाइज है। ये एक हाथ आपके बैक के पीछे रहेगा, एक आगे। डाउन, वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। नेक्स्ट आर्म, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो पुशअप्स विद आर्म रेज है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। नेक्स्ट एक्सरसाइज जंपिंग है, मैड लेग्स जंप। वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। स्टॉप। नेक्स्ट प्लैंक्स, प्लेन प्लैंक्स। काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। स्टॉप। नेक्स्ट एक्सरसाइज जंपिंग की है, इसमें इस जंप में फुट को आपने आगे पीछे करना है, फ्रंट बैक। वन टू फोर फाइव सेवन एट। स्टॉप। माउंटेन क्लाइंबिंग। स्टॉप। डंबल प्रेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज डंबल प्रेस, हॉपस्कॉच में, हॉपस्कॉच पोजीशन पे नी पे हम रहेंगे और डंबल प्रेस करेंगे। एक हाथ बैक के पीछे, वन टू थ्री
नेक्स्ट एक्सरसाइज इसके बाद जो मैं करूँगा सेपरेट स्क्वाट्स मैं वॉक करूँगा विद डंबल लेके, डंबल को लेके ये देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है डंबल से मैं आपको डेडलिफ्ट सिखाता हूँ कैसे होता है डंबल डेडलिफ्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो एलेक्सेंड्रिया जिम में डेडलिफ्ट करते हैं मैक्सिमम लड़कों की इंजरी हो जाती है। उसका बड़ा रीज़न ये है वो टेक्निकली डेडलिफ्ट परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपना बैक जो है बिल्कुल ढीला छोड़ते हैं और कॉन्सेंट्रेशन लेवल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब आपने डेडलिफ्ट करना है चाहे आपने जिम में करना है या घर में करना है उससे पहले जैसे आपने 100 केजी लगाया हुआ आपने कॉन्सेंट्रेट करना है वेट के पास गए सबसे पहले तो आप सही ग्रिप लेंगे और बॉडी पोजिशन खुद को रॉड के लगभग लगभग आपकी शीन जो है रॉड के साथ टच रहनी चाहिए फिर आप डेडलिफ्ट अपनी ग्रिप लोगे। चाहे आप वाइड ग्रिप लेते हैं या क्लोज ग्रिप लेते हैं आप वाइड लेग्स रखते हैं या क्लोज लेग्स रखते हैं दोनों सही है। फिर आप बैक को एकदम टाइट करके आपने फर्स्ट जो है ये वाला एंगल ये ट्रंक ज्वाइंट आपने ट्रंक ज्वाइंट खोलना है ना कि आपने नी ज्वाइंट खोलना है। सी ये आपका फिनिश है। तो मैं आपको डेडलिफ्ट दिखाता हूँ पहले कैसे हम करते हैं डंबल से। ये आपकी पोजीशन मैं आपको शोल्डर से थोड़ी सी ज्यादा पोजीशन डाल ये है डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट के बाद मैं जो आपको बताने वाला हूं वो स्क्वाट्स है फ्री हैंड स्क्वाट्स। मैं अपने बचपन के दिन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जब मैं छोटा था तो टीचर के पास जाते थे अगर मैंने होमवर्क नहीं किया होता तो मेरे को टीचर ही बोलता था जाके उधर वहां पे उठक बैठक करो। उठक बैठक मीन्स स्क्वाट्स उठक बैठक वही है ठीक है। मैं वही एक्सरसाइज आपके सामने यहां पे करूंगा स्क्वाट्स। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं ये वाली पोजीशन भी ये वाली भी और ये वाली भी आप कोई भी कर सकते हो। आप इवन हाथ में डंबल लेके ऐसे भी कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है पुशअप्स। पुशअप्स में ये इंक्लाइन पुशअप्स है मैं इंक्लाइन पुशअप्स करता हूँ लेकिन अब की बारी मैं इंक्लाइन करता हूँ मैं इंक्लाइन के साथ साथ क्लोज ग्रिप इंक्लाइन पुशअप्स भी कर लूंगा। ये आपका इंक्लाइन हो गया ठीक है। तो मैं इसके साथ साथ ये इंक्लाइन पोजीशन है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good. ये था इंक्लाइन पुशअप्स. मैंने आपको कहा मैं प्लेन पुशअप्स भी आपको दिखाता हूँ. इसके बाद मैं प्लेन पुशअप्स करता हूँ. फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट सेट है मेरा पुशअप्स का, इसमें मैं हाथ बंद करूंगा, क्लोज हैंड्स, इस पर मैं पुशअप्स करूंगा. इससे क्या होगा, इससे एक तो हमारा डेल्टॉइड मसल जो है, शोल्डर के तीन मसल होते हैं डेल्टॉइड के, इंटीरियर, पोस्टीरियर और फ्रंट डेल्टॉइड, ये तीन मसल इससे डेवलप होते हैं. अपर पेक्टोरियल चेस्ट मसल जो है वो इससे डेवलप होती है. हमारी ट्राइसेप्स मसल इससे डेवलप होती है और 10-15% हिट ये हमारी फोरआर्म मसल को भी करता है. तो मैं आपको क्लीन पुशअप सिखाता हूँ. पोजीशन सेम है, ये बंद, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टॉप. ये था प्लेन पुशअप्स. प्लेन पुशअप्स के बाद हम लोग डंबल थ्रो करेंगे. हाँ, ये हेल्थ सेंटर या जिम में बहुत कम एक्सरसाइज होती है ये डंबल थ्रो, बट बॉक्सिंग वाले के लिए, मार्शल आर्ट वाले के लिए और थ्रो जूडो वाले के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, डंबल थ्रो. इवन क्रिकेट में ये एक्सरसाइज बॉलर भी करते हैं, क्योंकि ये थ्रो है, ये थ्रो जो है ना, तो ये प्रेस है ना ये पुश है, ये थ्रो है. इसमें स्पीड चाहिए, जितनी ज्यादा स्पीड इसमें आप लगा सकते हो लगा लें. ये 10 kg, नो, ये 7.5 kg की डंबल है जिससे मैं ये एक्सरसाइज, और होता ये है हम लोग इसमें बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, बट मेरे सामने चूंकि बॉक्स अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं ये हॉप से करूंगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ये थी डंबल थ्रो. डंबल थ्रो के बाद मैं आपको दिखाऊंगा सिटिंग साइड रेज विद डंबल्स. अगर आपको लोअर बैक में इंजरी हुई है तो आप हर कोई एक्सरसाइज जो है सिटिंग पोजीशन या लेइंग पोजीशन में लेट के कर सकते हैं. ये पोजीशन है साइड, 1, 2. इसमें आप एल्बो को बैंड भी कर सकते हैं और स्ट्रेट भी. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये थी साइड रेज डंबल्स. आज का जो ये वर्कआउट था फुल बॉडी डंबल वर्कआउट, मैं आपको दिखा चुका हूँ. इस फुल बॉडी डंबल वर्कआउट में मैंने लगभग पूरी बॉडी को टच किया, चाहे मैंने जंपिंग से किया, चाहे मैंने प्लैंक से किया या डंबल से किया. तो इसके बाद जो हमारी और एक एक्सरसाइज है वो है फ्रंट
front rings, front raise dumbbells in sitting position. ये इसको आप डंबल को हैमर जैसे हम लोग करते हैं डंबल हैमर, तो इसको आप बाइसेप्स हैमर, इसको आप वो वाली पोजीशन पे भी कर सकते हैं और इस वाली पे भी कर सकते हैं। वन टू 90 को आप क्रॉस करेंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 12, 13, 14, 15. पोजिशन मैंने चेंज की, अब मैंने इस नी को ऊपर किया, अब मैं लेफ्ट आर्म से करूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stop. Next exercise जो है, जो कि मेरा भी पल्स शायद 160 टच कर गया है, लेकिन मैं आपको अभी और एक दो एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ जो आप करेंगे, उसके बाद हमारा ये जो वर्कआउट है खत्म हो जाएगा। प्लैंक्स विथ डंबल, डंबल रो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। दोस्तों इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज मैं आपको फिर से फ्रॉग जंप का एक लास्ट सेट बता देता हूँ। हम लोग अब फ्रॉग जंप में छोटा छोटा जंप लेंगे, बिल्कुल 9-12 इंचेस जंप, ठीक है? ये बड़ी फ्रॉग जंप नहीं होगी, ना ये मीडियम फ्रॉग जंप होगी, छोटी छोटी जंप, छोटी जंप बट मैक्सिमम रेपिटेशंस, ठीक है? मैक्सिमम रेपिटेशंस मींस अगर आप बड़ी जंप 30 करते हो ये आप 100 करोगे। हमारे आज के इस वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज बॉडी को बिल्कुल खड़ा रखना, थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज के वर्कआउट की लास्ट एक्सरसाइज, थैंक यू वेरी मच।